लाठी से मारा है। कह रहा है कि थाना पुलिस मंत्री सब मेरे साथ हैं, जाना है वहाँ जाओ, गोली मार देंगे तुम, हर जने लगा देंगे, ऐसा ऐसा बोल के डरवा रहा है बार बार। जान से मार देंगे मार मंगा देंगे। जमीन के दलाल कल्याणपुर में इतने बढ़ गए हैं, कहा जा रहा है कि इसको जब जल्द से जल्द बेच के हटो, नहीं तो गोली मार देंगे। प्रकाश चंद्र गुप्ता, घर कहाँ है? सरकारी अस्पताल के सामने। क्या है मामला? जमीन विवाद है। कहाँ पर? कल्याणपुर, कल्याणपुर हाईवा के बगल में, एनएच के बगल। क्या हुआ? पिछले 10 दिन से जमीन पर विवाद हो रहा है, इसके लिए बार बार हमें ये किए, हमारे जमीन पर मेरा पहले से मटेरियल गिरा हुआ था, करीब बालू ईटा छरी सीमेंट सब गिरा हुआ है, उस पर हम लोग काम लगाना चाह रहे थे। एक दिन नानू बोला हमको 5-10 मिनट जमीन दे दीजिए फ्री में, हमने ने कहा कि हम नहीं देंगे। फिर एक दिन 10-10 मिनट का फिर कहा कि 10-10 मिनट दोबारा 10-10 मिनट पर फुटागड़ी कर दिया। तो फुटागड़ी हमारे जो काम करते हैं शिवरतन जी, उसको फुटागड़ी उठा के हटा दिया, या फिर उसके साथ ही जो गुड्डू पासवान है सब फुटागड़ी उठा के बिक दिए। तो उसके बाद 19-20 मिनट का कोई जाली कागज बनवा कर और इन लोगों को डरवाने लगा कि मेरा ज़मीन है छोड़ दो, और थाना से पुलिस महेंद्र पासवान जी को ले गया। अब महेंद्र पासवान से ज़मीन न पवा कर उसने महेंद्र पासवान ने बोल दिया कि ज़मीन आपका है, आप पर काम कीजिए। उसी दिन से नानू का बल बढ़ गया और हमारे जो काम करने वाले हैं वो बार बार उस ज़मीन पर जाने से डरने लगे, क्योंकि कहते हैं कि जाएंगे तो मार देगा खा देगा। और 2 दिन इनको शिवरतन जी को इधर आइए, इनको 2 दिन बांध एक डंडा लेकर दौड़ाया हमारा है घर के पास इसको। आज हमें लाठी से मारा है और मम्मी को बाल खींचा है और ये किया है, पत्नी को बाल खींचा है और मेरा भाई को भी किया है, सबको करके। और कह रहा है कि थाना पुलिस मंत्री सब मेरे साथ हैं, अंचल सब मेरे साथ है, कोई जमीन पर कोई नहीं फेंक सकता। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, गोली मार देंगे तुमको, ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे, महिला केस कर देंगे और क्या नाम है ये हर जने लगा देंगे, ऐसा ऐसा बोल के डरवा रहा है बार बार। एसपी साहब के पास हमने गया था आज से 3-4 दिन पहले, एसपी साहब उस दिन मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में थे, तो वो उस दिन कार्यक्रम में हम लोग अपना एप्लीकेशन नहीं दे पाए और हमको जान माल का खतरा है। जब भी जाते हैं तो बार बार हम जाएंगे नहीं अपने से गोली मारने के लिए। शिवरतन जी के सामने हमको बोले, एक दिन अशोक मुखिया के सामने हमको पैर तोड़ने के लिए मारने के लिए भी थे उस समय। हम मुखिया जी अशोक मुखिया जो भी हैं सभी से पूछ लिया जाए कि ऐसा ऐसा क्या है वारदात है, जमीन आखिर है किसका। उन लोग था जोधपुर, हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। आपके पास तो जमीन का टोटल डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है वो हम लोग आज नहीं बहुत दिन से, जब से पापा लिए जमीन को तब से जोधपुर हमारे ये अंदर में है और उसका ये जोधपुर ये करते हैं, जोधपुर ये सूरतन जी करते हैं मेरे जमीन को। और बाकी ये बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ बताइए। जमीन पर जब हाजी होने लगा था वो हम लोग बोले कि अंतर द्वारा कोई पर द्वारा अगर इसमें दौड़ा करके और उसको निशान मिल करके हर कुछ काम करना चाहिए, इसी पर उन्हें माना, ज़बरदस्ती घेरावा करने आ गया, हमको भी धमकी दिया और गोली से मारने बोले, हमको भी बोला कि तुमको गोली से मार देंगे, तुम जमीन पर मत जाना। तो हम कहें कि जो भी फैसला करना है कोर्ट द्वारा अंचल द्वारा कर लिया जाए। ये आधार पर सर आज बाउंड्री कर रहा था और मेरी जमीन मेरी बालू आधार पर लेडीज लोग को सब माध्यम कर दिए हमारी मटेरियल से बाउंड्री कर रहा है और कर रहा है कि जान से मार देंगे तो मार मुआ देंगे, फिर कोई नहीं बचाने वाला रहेगा, थाना पुलिस से बाद में आता है, पहले हम तुमको मुआ के छोड़ देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, एसपी साहब से रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको या गढ़वा सीओ साहब से रिक्वेस्ट रहेगा, गढ़वा बी डी ओ सी ओ चाहे जो भी हैं उन्हें से रिक्वेस्ट है कि जमीन को हमारा कैसे। जमीन के दलाल कल्याणपुर में इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े रुकवा के बोलते हैं हमें कि जमीन छोड़ दो या बेच दो,
नहीं तो गोली मार देंगे। जमीन अगर हमारा 2 लाख रुपए डिसमिल का जमीन है तो उसको कहते हैं 50,000 रुपए डिसमिल में बेच दो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जमीन खाली हो जाएगा। आज भी यही हाल हो रहा था, जो जमीन को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि इसको जब जल्द से जल्द बेच के हटो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। इसमें हमें और क्या चाहिए सर, जो है गढ़वा के जो भी गणमान्य सदस्य हैं उनसे ले लिया जाए बात, और जो भी कल्याणपुर में है दखल कब्जा को देखते हुए हमें ना दिलवा दें, इसे आगे हमको क्या चाहिए। जब से जो कोर्ट कर रहे हैं गांव के लोगों से भी पूछ लिया जाए। सदर अस्पताल में कब आए आप? जी हम तो आए जब मार धाड़ हम वहाँ से हटे, उसके बाद यहाँ मम्मी को बेहोश हो गई थी, मम्मी को लेकर दौड़ के आ गए, मम्मी का पानी उन्हें चढ़ा था और मेरा फ्रैक्चर क्या एकदम चेक भी नहीं करा। बस न्याय चाहिए। गढ़वा SP साहब से रिक्वेस्ट है कि महेंद्र पासवान जैसे लोग जमीन को नाप के दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है?